सीरियल घूमे किसी के प्यार में ईशान के ताऊ ईशान की आका साहिब को बताते हैं कि सवी ने ट्रस्टी के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है जो कि उनके लिए सही नहीं है। वहीं सवी रात भर ईशान के घर में रुकती है मगर अभी उसका ईशान से सामना नहीं हुआ है। लेकिन जब सुबह वो सोकर उठती है तो उसे अपने पास कोई नहीं दिखता, इसलिए वो हॉल में चली आती है और वहाँ उसका सामना आखिरकार ईशान से हो ही जाता है। ईशान सवी को अपने घर पर देखकर चौंक जाता है और वो सवी से गुस्से में पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर सवी उसको जवाब देती है कि उसके घर की औरतों से उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो औरतें ही उसे यहाँ पर लेकर आई हुई हैं। ईशान की अक्का साहिब भी सवी का इस बात में साथ देती है कि हाँ, उनके घर की औरतों से सवी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए सवी यहाँ पर है। लेकिन ईशान इस बात को नहीं मानता और वो सभी को ड्रामेबाज और मक्कार बुलाता है। उसका कहना है कि ये सब सभी ने जानबूझ के किया ताकि वो किसी न किसी तरीके से ईशान के घर में घुस सके और ईशान को परेशान कर सके। ईशान इस सब का इल्ज़ाम ईशा पे डाल देता है कि ईशा ने ही सभी को यहाँ भेजा है। बार बार ईशा की बुराई सुनकर सभी बर्दाश्त नहीं कर पाती और ईशान से चुप रहने के लिए कहती है। इस पर ईशान जो सभी को बताता है वो सुनकर तो सभी को ऐसा लगता है जैसे उस पर छत ही टूटकर गिर पड़ी है। ईशान सभी को बताता है कि ईशा कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी माँ है। ये सुनकर सभी को बिल्कुल यकीन नहीं होता आखिर ईशा ऐसी लड़की अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है। वहीं आका साहिब अपने पति को फ़ोन करके बताती हैं कि उनके घर पर जो लड़की मौजूद है वो कोई और नहीं सभी चौहान है और वो उससे आयुष के ऊपर की कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहेंगे।